নমস্কার পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্টস শেয়ার করুন আজকে লোকাল আপডেট বাংলা রিপোর্টার্স গিল্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পূজা কমিটিকে সম্মানিত করা হয়েছে বিশেষত বৌবাজার 47 পল্লী সার্বজনীন দুর্গা উৎসবকে পরিবেশ মণ্ডপে এবং প্রতিমা দিয়ে সম্মানিত হল করোনা সময় হাইকোর্ট নির্দেশিকা কমিটির অনুসরণ করা হয় বর্তমানে করোনা সম্পর্কে আলোচনা করে নিজেদের সংরক্ষণ করে কথা বলেন দেখছেত্র 78 উপস্থিতিতে অধ্যক্ষ অরুণ কুমার রাজ পঙ্কজ ঘোষ লিপিকা সেন চট্টোপাধ্যায় খরদাহ মানান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সচিব ও অন্যান্য সদস্য ছিলেন यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि बहुबाजार 47 पल्ली दुर्गोत्सव कमेटी के इन्वायरमेंट थीम डेकोरेशन और इनका जो पुराना विधि व्यवस्था पर ये कंसेप्ट थीम पर जो बनाए हैं हमारे रिपोर्टर्स के रिपोर्ट के अनुसार अव्वल है और इनके परिश्रम को पारिश्रमिक देने के लिए इनके सम्मान को सम्मानित करने के लिए इनके उत्साह को उत्साहित करने के लिए आज की टीम यहाँ पधारी है हमारे साथ हैं बांग्ला रिपोर्टर गिल्ड के एडवाइजर साथ में हरदा मनन वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी लिपिका सेन चटर्जी जो लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं मैं डॉक्टर अरुण कुमार रोटरी क्लब लायंस क्लब के साथ साथ डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं भी सोशल चाहे वो हेल्थ रिगार्डिंग हो एजुकेशन रिगार्डिंग हो एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग हो एनवायरमेंट रिगार्डिंग हो या रोजगार संबंधी हो आप बेहिचक हमारे से संपर्क कर सकते हैं हम लोग सालों भर विभिन्न गतिविधियों में युक्त हैं और हम लोग का प्रयास रहेगा यथासंभव यथाशीघ्र आपके प्रोग्राम के साथ जुड़कर एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर एक विजुअल कंट्रीब्यूशन की सिस्टम पर हम लोग प्रोग्राम को सफल बनाएंगे ताकि यहाँ की आवाम बेनिफिटेड हो और मैं ये कोरोना वैश्विक महामारी के दौर पर हम लोग कोई सेलिब्रेट करने या उत्साह करने नहीं आए हैं हम लोग सिर्फ ये सावधान करने आए हैं कि हम लोगों को जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार बंगाल सरकार के साथ साथ हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश है उसको सख्ती से पालन करना है हम लोगों को सैनिटाइजर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का आगामी 1-2 सालों तक आदत बना लेनी है साथ में जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कमजोर होती है जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग 60 साल से ऊपर कम उम्र के बच्चे जो पहले से बीमार हैं हृदय रोग किडनी रोग डायबिटीज या कैंसर से पीड़ित हैं उनको बचा के रखना होगा साथ में हम सभी जो स्वस्थ युवा या महिलाएं हैं उनको अपनी इम्यूनिटी पर प्रिकॉशन लेना है अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है उनके लिए 2-3 साधारण घरेलू उपाय है आप हमेशा गर्म पानी का सेवन करें दूध में हल्दी मिलाकर पिए और आयुर्वेदिक काढ़ा उसका 2-3 बार दिन भर में सेवन करें आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का भी अत्यंत सरल उपाय है आप गर्म पानी में तुलसी पत्ता अदरक दालचीनी लौंग इलायची गरम करके उबाल के आप पानी को कुसुम करके पी सकते हैं साथ में बहुत सारा कंप्लेन आ रहे हैं कि लोग इतने आतंकित भयभीत हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है भूख सही से नहीं लग रहा है खाना सही से नहीं पच रहा है और वो तनाव में हैं भयभीत हैं आतंकित हैं जिससे भी इम्यूनिटी प्रभावित हो रही है वो उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और कोरोना वायरस उसे अपने चपेट में ले रहा है मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना को सोशल मीडिया और टीवी पर जितने बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करने लायक नहीं है
आप लोग कम से कम टीवी देखें, सोशल मीडिया पर जितनी भी मिथ चल रही है उसको अवॉइड करें। आप इसमें जो बीमारी है, हर साल हम लोग जूनोटिक डिजीज से पीड़ित होते हैं। जूनोटिक डिजीज माने जानवर और पक्षियों द्वारा मनुष्य में संक्रमण जो फैलता है। हर साल काफी लोग भारत में मरते हैं, लेकिन उसको विधिवत आंकड़ा हम लोग के सामने पेश नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग उसको जानकारी में नहीं। और हम डॉक्टरों के अनुसार अवेयरनेस ही एकमात्र उपाय है। अगर आप जागरूक हैं तो कोरोना वैक्सीन आने तक आपको कोरोना टच भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारी महिलाएं क्या कर रही है, घर में सर्फ पानी से, ब्लीचिंग पाउडर से सब्जियां और फल को धो रही है, जो बेहद हार्मफुल है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप ऐसा कभी ना करें। साथ में डॉक्टर को कोऑपरेट करें, जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर के साथ उनको सपोर्ट करें, उनको कोऑपरेट करें, उनको भी मेंटली बूस्टअप करें, वो भी आजकल प्रेशर में हैं। ये सब सावधानियां हमें, कुछ आदत हमें नई बनानी होगी, जो आप लोग को बराबर बताया जा रहा है। SMS, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपको गर्म पानी पीने की आदत बनानी होगी। हाथ मुंह बराबर फ्रिक्वेंटली हाथ धोने की, साबुन पानी से हाथ धोने की जरूरत है। ड्रिंक करने, स्मोक करना, ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना परहेज करें, फिर हम लोग इस कोरोना महामारी से जरूर विजय प्राप्त करेंगे। और आज महाशक्ति के दिन मां शक्ति का आराधना करते हुए हम लोग इस पूजा कमेटी को पुरस्कृत करने आए हैं, और हम अपने वक्तव्य यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और साथ में हमारे बीच हमारे एडवाइजर पंकज घोष जी हैं, वो दो शब्द मैं उनको भी कहने का गुजारिश करता हूँ। वो जो है एक ही शब्द भय करब जो है। आज कोरोना काल चलते, बहु पुजो, बहु बड़ो बड़ो पुजो के बहु संगठन पुरस्कृत करे, आमरा बेचे नहीं एकदम छोटो छोटो प्रांतिक पुजोगुलो के, जे पुजोगुलो अंधकार मध्य थाकछे किन्तु एक अन्य भावधारा निये आसते चाहिए, सुंदर एक परिवेश निये आसते चाहिए, एवं सेई सब पुजो कमिटी के आमरा उत्साह दीते चाहिए गिल्डेर पक्ष थेके, जे तारा जेनो विभिन्न अन्यरकम काजे जुक्त हय, सेवामूलक काजे। আপনারা জানেন আমাদের যে মনন সংগঠন আছে, আমফান গেল, আপনার করোনা গেল, আমরা সুন্দরবন থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী প্রান্ত থেকে প্রান্তরে কাজ করে গেছি, সেবা সেবা আর সেবা। আমরা আজকে এই পুরস্কার দেওয়ার আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সেই সব পুজো কমিটিকে, যারা ছোট্ট করে হলেও কিছু করুক। এক্ষুনি ডাক্তারবাবু বললো আপনারা যে কোনো কাজে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে, হেলথ ক্যাম্প, আপনি রক্তদান শিবির বলুন, কোথাও আপনারা 100 জন বৃদ্ধ মাকে কিছু দিতে চান, বিস্কুট দিন, একটু মিষ্টি দিন, লজেন্স দিন, বা বাচ্চা যারা আছে, অনাথ বাচ্চা, একেবারে অনাথ বাচ্চা যাদের কেউ নেই, আপনারা যারা যেন সেই সব বাচ্চাদের পাশে থাকতে পারে, এই ইচ্ছা নিয়ে, এই উদ্দেশ্যে নিয়েই আপনাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করতে চাইছি। ধন্যবাদ। সমস্ত উদ্যোক্তাদের শারদীয়া মহাসপ্তমীর শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা খুব সুন্দর করে এই আবহেও খুব সুন্দর করে আপনাদের মণ্ডপ সজ্জা করেছেন, প্রতিমাও অসাধারণ হয়েছে। এর আগেও দুজন বললেন যে আমরা আপনাদেরকে পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছি যাতে ভবিষ্যতে আপনারা আরও ভালো ভালো কাজ করতে পারেন এবং আপনাদের এই ভাবনাগুলোর বাস্তবায়ন করতে পারেন। আপনাদের এই ছোটোর মধ্যে, পরিসীমিত স্থানের মধ্যেও যে আপনারা এত সুন্দর করে সরকারের সমস্ত বিধি মেনে যে পুজো করছেন, এটা আমাদেরকে খুব ভালো, আমাদের কাছে খুব ভালো একটা জায়গা তৈরি করেছে, যার জন্য আজকে এই পুরস্কার আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। যদি ভবিষ্যতে আপনারা মানব সেবার জন্য আরও এগিয়ে আসতে চান, আমরা আমাদের আপনাদের পাশে থাকব। আপনারা একটু শুধু জানিয়ে দেবেন, তাহলে আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।